Hello and welcome to your own channel Lifeline. I hope all of you are very well and you have enjoyed your last week like anything. You know, we must enjoy every moment of life and that's self-grooming. हमारे पास जो mails और suggestions आते हैं उसमें ये बोलते हैं कि सर अगला स्टेप बताइए अगला स्टेप बताइए एंड देयर आर टू मेनी क्वेश्चंस कि हम जब अपने आप से बात करते हैं इन पर्सनल क्वाइट टाइम इन फ्रंट ऑफ ए मिरर हमारे पास बातें रहती नहीं है तो वो भी अच्छी बात है कि यू हैव ऑलमोस्ट लॉस्ट एवरीथिंग देन कीप लुकिंग एट योर आईज बट अगेन वी नीड टू टॉक टू आवर सेल्फ टू नो अस बेटर टू डेवलप अ स्ट्रॉन्ग लाइफ फिलोसॉफी सो दैट वी कैन बी हैप्पी एंड वी कैन बी अ सेल्फ ग्रूम पर्सन. एक क्लू मैं आज आप लोगों को देता हूं. क्या कभी भी किसी ने आपकी जिंदगी में आपको ये कहा है कि आप बहुत खूबसूरत हो? ये खूबसूरती चेहरे की नहीं दिल की खूबसूरती है, क्योंकि चेहरे से हम सब लोग खूबसूरत हैं या जो नहीं है वो लोग भी 250-500 ग्राम कॉस्मेटिक्स लगा के सुंदर दिखते हैं, खूबसूरत दिखने की कोशिश करते हैं, बट मन की खूबसूरती से बढ़ के कुछ भी नहीं है. आई एम गिविंग एन एग्जाम्पल. इफ यू आर ए लेडी, आस्क योर सेल्फ, पिछले 5 सालों में या 10 सालों में ये अगर नई नई शादी हुई है तो क्या पिछले 1 सालों में आपके हस्बैंड ने आपसे कितने बार कहा है कि आप बहुत खूबसूरत हो? मन करता है कि आपको देखता ही रहूं. परहैप्स एक बार भी नहीं. और अगर बोला होगा तो ध्यान से देखिएगा कहीं वो आपको मस्का लगाने के लिए तो नहीं कह रहा है. सो व्हाट आई मीन इज, यू नो, व्हेन वी आर लाइक्ड बाय समवन, व्हेन वी स्प्रेड पॉजिटिविटी, कभी भी हमारे बर्ताव जब किसी को अच्छा लगता है तो वो शायद ये बोलते हैं कि आप बहुत अच्छे हैं. दैट इज ऑल्सो सेम, मतलब आप दिल के अच्छे हैं. तो जिन लोगों को हमें अच्छा लगता है दिल से वो ऑटोमेटिक हमें खूबसूरत लगने लगता है. यू नो, अगर हम पति पत्नी की बात करें या परिवार में बाकी लोगों की बात करें तो हम अपने बच्चों को बहुत बार बोलते हैं कि तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत खूबसूरत हो, क्योंकि वो हमारे प्यारे हैं. But how many times we say these things to our husband or wife, या फिर हमारे पड़ोसी, या फिर say the bus conductor, the taxi driver, the auto rickshaw driver, या हमारे peon, watchman, कितने बार हम बोलें कि आप बहुत अच्छे हो? नहीं बोलते हैं, क्योंकि हमें वो बोलना आता नहीं है. और कहीं ना कहीं it's a human instinct कि हमें थोड़ी सी जलन होती है. तो अ सेल्फ ग्रूम्ड पर्सन कैन मेक दिस अ विजन कि मुझे जितनी बार लोग बोलेंगे कि आप बहुत अच्छे हो या नहीं भी बोलेंगे उनकी आंखों में दिखाई देगा मेरे लिए वो प्यार या सम्मान, वो भी एक अचीवमेंट है. लेट्स मेक इट ए विजन दैट आज से हम ऐसा कुछ करेंगे अपने बिहेवियर से, अपने बर्ताव से, अपने एटीट्यूड के डिस्प्ले से, ताकि लोग हमें बोलने के लिए मजबूर हो कि आप बहुत अच्छे हैं या फिर आप बहुत खूबसूरत है या ब्यूटीफुल है या हैंडसम है. जैसे जैसे हम ये अचीव करते जाएंगे हमारा सेल्फ एस्टीम हाई होता जाएगा, अपने आप को हम ग्लोरीफाइड समझेंगे और हमें खुशी मिलेगी. एंड दैट्स वाई Lifeline is helping each and every one of us to be happy. This is one more thing which will make you happy. तो एक विजन आज से ले लेते हैं कि हम लोग ऐसा करेंगे ताकि लोग हमें अच्छा बोलें, खूबसूरत बोलें.
एक वीडियो हमने कलेक्ट किया है इसी लाइन पे, प्लीज वॉच। धूप में जो किसी की छांव बन जाते हो तुम। एक्सक्यूज मी, आपको पता है आप बहुत ब्यूटीफुल हो। ब्यूटीफुल हो तुम, ब्यूटीफुल हो तुम। स्टेप आउट करके भी स्टैंड आउट कर जाते हो। तुम्हारी ब्यूटी को किसी की नजर न लगे। ब्यूटीफुल हो तुम, बस यू ही कुछ अच्छा गोपाल कर जाते हो तो। आप तो बड़े ब्यूटीफुल हो तुम, ब्यूटीफुल हो तुम। यू ही राह चलते मदद का हाथ बढ़ाते हो तो। आंटी यू आर वेरी ब्यूटीफुल। अरे बेटा इस उम्र में ब्यूटीफुल। मम्मा कहती है जो अच्छा काम करते हैं उन्हें ही तो सबसे ब्यूटीफुल कहते हैं, तो हुई ना ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल हो तुम। सो फार सो गुड, वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस एपिसोड। सो दिस वॉज द नेक्स्ट स्टेप ऑफ सेल्फ ग्रूमिंग, कि अपने आप से क्या बात करेंगे, अपने आप को ये विजन देंगे हम कि लोग हमें बोले आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत खूबसूरत हैं। और अगर हर दिन हमें ऐसा कोई कॉम्प्लीमेंट मिलता है देन वी आर थ्रू। फ्रॉम ऑल ऑफ अस हियर विश यू अ वेरी गुड संडे एंड अ वेरी गुड वीक अहेड। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।